Assalamu alaikum, dear students. Today, in your subject of social studies, we are discussing chapter number 22, Art and Culture. And our topic is about music and dance. Dance or music, dono hi bahut hi important hissa hai, jo ki Indian पीपल है उनकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके कल्चर में ये बहुत अहमियत रखता है ये दोनों एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है ये परफॉर्म किया जाता है और इसका इनके हिंदू रिलीजन के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है क्लोजली लिंक्ड है एक एक ज़माने में क्या होता था टेंपल्स में ज़्यादातर ये लोग डांस करते थे ये दोनों ही आर्ट म्यूज़िक भी डांस भी वहीं परफॉर्म करते थे आज भी हम देखते हैं डांस और भजन इनका कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हिंदू के जो भी फंक्शंस रिलीजियस फंक्शंस होते हैं खासकर वहाँ पे डांस और भजन परफॉर्म किया जाता है इंडियन म्यूज़िक में फोक म्यूज़िक आता है और क्लासिकल म्यूज़िक आता है दोनों में डिफरेंस है जो फोक म्यूज़िक है उसमें क्या होता है वो एक फोकलोर होता है वो हर एक रीजन का ऑलमोस्ट अलग होता है जैसे कश्मीर का रुफ है पंजाब का भांगड़ा है ऐसे गुजरात का गरबा है क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ही इसमें क्या होता है इसमें अपने रूल्स होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं इसमें आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें जो भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है म्यूज़िक के टाइम पर जैसे कि सितार सरंगी तबला का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है ठीक पॉपुलर क्लासिकल डांसेस इंडिया के कौन कौन से हैं जैसे कि भरतनाट्यम है कथकली है जो केरला में किया जाता है ओडिसी है कथक है मणिपुरी कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में करते हैं फोक डांसेस मैंने अभी भी आपसे कहा फॉर एग्जांपल गरबा है या फिर भांगड़ा है राजस्थान में घूमर किया जाता है कश्मीर में रुफ किया जाता है सो ये जो भी आता है म्यूज़िक और डांस इंडिया का कल्चर बहुत ही रिच बनाता है इंडिया का कल्चर इस वजह से काफ़ी रिच हमें दिखता है क्योंकि इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है और बहुत सारे उस डाइवर्सिटी में डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट हैं और जो इस जो इंडियन आर्ट और जो भी कल्चर है वो इस चीज़ को काफ़ी इन्हांस करती है काफ़ी रिच बनाती है दिस इज़ इट फॉर द डे अल्लाह हाफिज़